आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है निकोटीन मतिभ्रम का कारण बनता है, दूसरा ऑप्शन है हीरोइन एक डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है, तीसरा ऑप्शन है हशीश में उद्दीपक गुण होते हैं, चौथा ऑप्शन है कोकेन ओपियोइड औषध होता है। यहाँ पर हम इन ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला निकोटीन एक एल्कलॉइड होता है जो तंबाकू में उपस्थित होता है। तंबाकू के अधिक सेवन से मतिभ्रम का कारण नहीं होता है, तंबाकू के अधिक सेवन से कैंसर, फेफड़ों में कैंसर होने की संभावना रहती है। दूसरा है हेरोइन एक डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। यदि मैं हेरोइन की बात करता हूं, यहाँ पर हेरोइन तो जो हेरोइन है वो मॉर्फिनेन एल्कलॉइड होता है, मॉर्फिनेन एल्केलॉइड होता है, मॉर्फिनेन एल्केलॉइड होता है। यहां पर जो मॉर्फिन है उस मॉर्फिन के ऊपर दो एसिटाइल जो है समूह वो जुड़े रहते हैं, दो एसिटाइल समूह जुड़े रहते हैं, एक ऑक्सीजन तीसरे नंबर के ऑक्सीजन से, ठीक है, और एक सिक्स नंबर ऑक्सीजन से जो एसिटाइल है वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस एसिटाइल के जुड़े रहने के कारण ही इसको डाई एसिटिल मॉर्फिन कहते हैं। तो दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही है, हेरोइन एक डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन की हम बात करते हैं, यहाँ पर हशीश में उद्दीपक गुण होता है, हशीश जिसको हैश भी कहा जाता है, कैनाबिनस एक पादप होता है, कैनाबिनस उस कैनाबिनस पादप से हशीश प्राप्त की जाती है। इसके अंदर उद्दीपक नहीं सम्मोहक के गुण होते हैं, हेल्यूसिनेशन जिसको बोलते हैं, सम्मोहक के गुण इसके अंदर होते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा कोकेन एक ओपियोइड औषधि नहीं होती है, कोकेन इरिथ्रियोजाइलम कोकोआ पादप से प्राप्त होती है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हेरोइन एक डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।